गुड इवनिंग फ्रेंड्स क्या हाल चाल सभी के आई होप सभी हेल्दी हैं कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं तो यार जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वेरीज़ पिछले कुछ दिनों से रही है कि सर एक तो एल आई सी डब्ल्यू मेन्स का रिजल्ट कब तक आएगा और दूसरी सॉरी एल आई सी डब्ल्यू मेन्स का रिजल्ट और दूसरा एस बी आई पी यू का फाइनल रिज़ल्ट कब तक आएगा तो लास्ट टाइम के अगर अपने एनालिसिस करें तो एक एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम निकाले जा सकता है स्टार्ट करने से पहले सबको मैं बोल रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड है पिछले साइल के एनालिसिस पे सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है तो इसको पत्थर की लकीर नहीं माननी है है ना इसका टैटू नहीं बनवाना है अपने को ठीक है और ना ही मुझे बाद में आप ये बोलिएगा कि सर आपने ये बोला था ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ अगर आपको समझ आता है ठीक लगता है तो मानिए नहीं लगता तो अभी वीडियो बंद कर दीजिए कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है ठीक है जी लेट्स सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं एल आई सी डब्ल्यू मेंस के बारे में लास्ट टाइम जब 2019 में रिक्रूटमेंट था तब 28 जून को आपका मेंस का एग्जाम हुआ था और उनतीस जुलाई को आपके क्या था रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था तो रफली पैंतीस एक दिन का टाइम लगा था तीस से पैंतीस दिन का टाइम फ्रेम के अंदर आपका काम हो गया था इस बार अठारह मार्च को एटींथ मार्च को आपके एग्जाम हुआ है तो अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गई तीस पैंतीस का दिन का टाइम लगे तो एटीन से ले कर के, के बीच में कभी भी रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया जा सकता है एटीन टू ट्वेंटी फाइव अप्रैल अगर इस सोच के साथ अपने आगे बढ़े तो ठीक है जी इसके साथ साथ अगर अपने एस बी के बारे में बात करें तो एस बी के लास्ट टाइम का रिक्रूटमेंट ऐसा था कि दो जनवरी को आपका मेंस का एग्जाम हुआ पच्चीस जनवरी को मेंस का रिज़ल्ट आ गया और सोलह मार्च को क्या हो गया फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया सोलह मार्च के बाद इन्होंने जो ज्वाइनिंग करवाई वो अठारह अप्रैल को करवाई थी इस साल का सीन कैसा चल रहा है तीस जनवरी को आपका एग्जाम हुआ दस मार्च को आपका रिजल्ट आया और कुछ बच्चों से मुझे पता चला है कि मई के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है कि शायद ये ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं पांच या छः मई के आसपास तो उस हिसाब से एटलीस्ट दस एक दिन पहले तो इनको रिजल्ट देना ही पड़ेगा तो ट्वेंटी अप्रैल तक का एक्सपेक्टेड लग रहा है कि यार पच्चीस अप्रैल तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए ये एक्सपेक्टेड है बेस्ड ऑन प्रीवियस एनालिसिस है फिर से मैं रिपीट करूंगा ठीक है साथ ही साथ जितने भी बच्चे आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप में से भी काफ़ी स्टूडेंट जो आगे के लिए प्रिपेयर करेंगे अगर आप बुक से पढ़ना पसंद करते हैं कि सर ऑनलाइन तो रहता ही रहता है बट बुक से पढ़ने में एक अलग ही मजा है एक बुक हमेशा हमारे पास होनी चाहिए तो रीजनिंग क्वांट्स और इंग्लिश के लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशंस की तरफ से आप लोगों को जो पहली भी मैंने बुक सजेस्ट की थी फिर से मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा कि अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं इंग्लिश के हो चाहे रीजनिंग के हो चाहे क्वांट्स के हो अग्रवाल पब्लिकेशंस की ये बहुत ही एक शानदार और किफ़ायती बुक है ज़्यादा प्राइसिंग भी नहीं है और उन्होंने अच्छी चीज़ ये की है कि प्री और मेंस, सिर्फ प्री प्री प्रीवियस ईयर डाल के नहीं भर दिया है मेंस के भी बड़े अच्छे अच्छे चैप्टर वाइज आपको कंटेंट दे रखे हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं सर बुक हमेशा पास होनी चाहिए कोई भी चैप्टर का उठा के मैं प्रैक्टिस करना चाहूँ तो मेरे पास हो इवन कोई बच्चा ऐसा है जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहता है अपनी पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए बड़ा यूजफुल हो जाता है तो उसके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए अग्रवाल पब्लिकेशंस का चैप्टर वाइज आपके प्री और मेंस बोथ चैप्टर वाइज इंग्लिश रीजनिंग और क्वांट्स तीनों के लिए ही हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपना परचेस कर सकते हैं नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन टेक केयर